आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि पैरेलल यूनिवर्स यानी कि अल्टरनेट रियलिटी की वन ऑफ द बेस्ट मूवी मानी जाती है, जिसका नाम है कोहरेंस। और इस मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, यानी कि किसी भी कैरेक्टर ने कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। शूटिंग से पहले बस एक्टर्स को स्टोरी में आगे क्या होने वाला है उसका बैकग्राउंड बताया जाता था, बाकी एक्टर्स खुद ही अपनी मर्जी से स्टोरी के हिसाब से बोलते थे, जिससे उन सब की एक्टिंग काफी रियल और नेचुरल लगती है। मूवी 2013 में रिलीज हुई थी और इसे IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है। कहानी 8 दोस्तों की है जो कि बहुत सिंपल है लेकिन कंफ्यूजिंग भी। ये सब दोस्त काफी दिनों बाद एक डिनर पार्टी में एक साथ मिलने का प्लान बनाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है एमिली नाम की लड़की से, जो कि इस मूवी की मेन लीड रोल है। वो कार ड्राइविंग कर रही होती है और साथ ही अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, लेकिन अचानक से नेटवर्क चला जाता है और फोन कट हो जाता है और उसका फोन अपने आप ही क्रैक होने लगता है। दरअसल एमिली और उसके बॉयफ्रेंड केविन के बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिससे वो परेशान थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिली माइक और ली के घर पहुंचती है, जहां वो बैट से मिलती है और वहीं पर डिनर पार्टी भी प्लान की गई थी। उसके बाद एमिली उन्हें अपने फोन के बारे में बताती है। उसके बाद उन लोगों में बातचीत होती है तो एमिली को पता लगता है कि आमिर जो उनका दोस्त है वो लॉरी नाम की लड़की को भी पार्टी में ला रहा है, जिससे वो नाखुश हो जाती है क्योंकि लॉरी एमिली के बॉयफ्रेंड केविन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। तभी बैट साइड में रखा एक शोकेस उठाती है और ली से पूछती है कि ये तुमने कहाँ से खरीदा, और उसके बाद केविन वहाँ पर आता है और साथ ही में ह्यू भी वहाँ आता है। ह्यू दरअसल बैट का पति होता है और उसके बाद आमिर और लॉरी भी वहाँ आते हैं, जिसके बाद सारे डाइनिंग टेबल पर बैठ कर बातें करने लगते हैं। और उसके बाद एमिली उन सबको बताती है कि आज रात एक धूमकेतु यानी कि कॉमेट पृथ्वी से गुजरने वाला है और शायद इसी की वजह से उसके फोन का नेटवर्क चला गया था और उसी के रेडिएशन प्रोड्यूस करने की वजह से उसका फोन भी क्रैक हो गया था। और भी बहुत कुछ होता है कॉमेट के गुजरने पर जो हमें इस मूवी में आगे देखने को मिलेगा। और एमिली सबको ये भी बताती है कि ऐसा ही एक किस्सा सालों पहले फिनलैंड में हुआ था, जब एक कॉमेट आसमान से गुजरा था तो उस टाउन के सारे लोग अजीब बिहेव करने लगे थे और एक औरत ने तो पुलिस कंप्लेंट कर दी क्योंकि उसका कहना था कि जो आदमी उसके साथ रह रहा है वो उसका पति नहीं है, लेकिन वो हूबहू उसके पति की तरह ही दिख रहा था। और उस लेडी का कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने अपने पति को एक रात पहले ही मार दिया था, जिसके बाद सभी एमिली की बात को मजाक में लेते हैं। तभी ह्यू बोलता है कि उसका भी फोन क्रैक हो गया। तभी लाइट चली जाती है तो ये लोग कैंडल्स लेकर आते हैं और डिनर करने लगते हैं, और माइक लाइट वाली स्टिक की बॉक्सेस लाता है जिसमें वो ब्लू लाइट की एक एक स्टिक सबको दे देता है। फिर वो बाहर देखता है लेकिन बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन एक घर में से रोशनी आ रही थी, उस घर में लाइट होती है। तभी सब बाहर आसमान में कॉमेट को देखते हैं और जब वो अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके टेबल पर रखा एक गिलास टूटा हुआ है। तभी ह्यू डिसाइड करता है कि वो उस लाइट वाले घर में जाएगा उनकी हेल्प लेने, और उसके साथ आमिर भी जाता है, जिसके बाद माइक घर का जनरेटर ऑन करता है और उनके घर में लाइट आ जाती है। फिर ह्यू और आमिर थोड़े टाइम बाद वापस आते हैं लेकिन वो घबराए हुए होते हैं और ह्यू के सर पर चोट लगी होती है और आमिर के हाथ में एक बॉक्स होता है। सभी लोग ह्यू से पूछते हैं कि क्या हुआ, उसे चोट कैसे लगी, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तभी आमिर बोलता है कि ह्यू उस घर में झाँककर कुछ देख रहा था जिससे वो डर गया, और उसके बाद वो उस बॉक्स को खोलते हैं जिसमें उन्हें एक डिंग डोंग पैडल और उन 8 लोगों की फोटोज मिलती है और हर फोटो के पीछे एक नंबर होता है, जिसे देखकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं और शायद आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मूवी के आखिर में आपको सब पता लगेगा। जिसके बाद सभी लोग ह्यू को फोर्स करते हैं कि उसके साथ वहाँ क्या हुआ। फिर ह्यू बताता है कि उसने वहाँ उन सबको ही देखा था, यानी वहाँ भी 8 लोग डिनर पार्टी कर रहे थे जो कि सेम उन्हीं की तरह दिख रहे थे, लेकिन कोई उसकी बात को सच नहीं मानता। और फिर ह्यू अपने भाई को कॉल करने की सोचता है क्योंकि उसके भाई को इन सब चीजों की जानकारी थी। ह्यू सोचता है कि वो एक नोट उस घर में रखकर आएगा कि उनको बस उनका फोन यूज करना है, और वो नोट लिखता है। तभी गेट पर किसी के आने की आवाज आती है और जब वो लोग गेट खोलते हैं तो उन्हें वहां पर सेम नोट मिलता है जो कि ह्यू ने लिखा था, सेम राइटिंग और सेम बातें। दोस्तों इसका मतलब ये है कि उस घर में भी सेम वही सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि इन सब के साथ हो रही थी, लेकिन दोनों के टाइम में फ़र्क है, उस घर का टाइम इनके टाइम से थोड़ा आगे है। तभी तो ह्यू के नोट पूरा होने से पहले ही उस घर का ह्यू उनके दरवाजे पर नोट रख के चला जाता है। यहाँ से कहानी और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, जिसके बाद 4 लोग केविन, एमिली, माइक और लॉरी बाहर जाने का फैसला करते हैं और वो अपनी ब्लू स्टिक ले जाकर बाहर जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उनके घर के अलावा वह दूसरा घर और उनमें रहने वाले लोग कोई भी नहीं दिखता,
बस चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी जाकर उन्हें एक जगह दिखती है जो कि बाकी एरिया के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा डार्क थी। और दोस्तों ये जगह आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वो लोग उस जगह के पास होते हैं तभी वो लाइट वाला घर उन्हें दिखता है जहाँ कुछ हलचल हो रही थी। तभी इन्हें सामने से चार लोग दिखते हैं जो कि उनके जैसे ही थे, लेकिन उनके हाथ में ब्लू लाइट स्टिक की जगह रेड लाइट स्टिक थी, जिसके बाद वो लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और बाकी लोगों को ये इंसिडेंट बताते हैं। जिसके बाद आमिर भी कहता है कि वो और ह्यू जब बाहर गए थे तो ऐसे ही एक डार्क जगह से गुजरे थे। एमिली को कॉमेट और स्पेस के बारे में काफ़ी जानकारी थी तो वो इसी से रिलेटेड एक बुक मांगती है। तभी ह्यू कहता है कि उसके पास एक बुक और कुछ नोट्स हैं जो कि उसके भाई ने दी थी, जो कि उनके गाड़ी में रखी हुई थी। वो गाड़ी से वो बुक लेकर आता है जो कि क्वांटम फिजिक्स की बुक थी। तभी इन्हें सारी बातें समझ आ जाती हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। दरअसल कॉमेट के गुजरने की वजह से वहाँ की जगह पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, जिससे मल्टीपल रियलिटी या कहें तो पैरेलल वर्ल्ड जैसी चीज़ें बन गई। जैसे कि एक से ज़्यादा घर, उन्हीं के जैसे दिखने वाले लोग, सेम नाम के, सेम पर्सनैलिटी के, बस उनका टाइम आगे पीछे होता है। और अभी हमें सिर्फ दो रियलिटी ही दिखाई गई हैं, एक तो ये इनका घर और एक वो लाइट वाला घर। लेकिन चांसेस है कि यहाँ एक से ज़्यादा रियलिटी हो सकती है, यानी कि एक से ज़्यादा सेम घर और सेम लोग, और हर एक रियलिटी में अलग अलग चीज़ें हो रही होंगी। लेकिन अभी इन्हें मल्टीपल रियलिटी के बारे में कुछ पता नहीं है, इन्हें बस उस लाइट वाले घर के बारे में पता है। और जो डार्क जगह वाला डार्क स्पॉट इन लोगों ने देखा था वो दरवाज़ा है दूसरी रियलिटी में जाने का, यानी जब भी ये वहाँ से गुजरते हैं तो ये एक दूसरी रियलिटी में चले जाते हैं। इसलिए हमने देखा कि जब वो चार लोग उस डार्क स्पॉट से गुजरते हैं तो उन्हें उनकी दूसरी रियलिटी के लोग दिखते हैं जिनके हाथ में रेड लाइट स्टिक होती है। और ये लोग डिस्कस करते हैं और सोचते हैं कि दूसरी रियलिटी वाले लोगों को अभी तक क्वांटम फिजिक्स की वो बुक नहीं मिली होगी, क्योंकि वो बुक कार में थी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि लाइट वाले घर के बाहर जो ह्यू की कार होगी उसमें वो बुक होगी और ये लोग वहाँ से वो बुक चुरा लेंगे। और तभी बीच में माइक केविन से प्राइवेट कन्वर्सेशन करता है और कहता है कि वो उस घर के माइक को ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि 12 साल पहले माइक और ह्यू की पत्नी बेथ रिलेशनशिप में थी और उनके बीच फिजिकल भी हुआ था। लेकिन ये बात ह्यू को नहीं पता, इसलिए वो सोचता है कि वो उस वाले घर के माइक को ब्लैकमेल करके उससे वो बुक ले लेगा। तभी हमें पता लगता है कि जो आमिर और ह्यू इस घर में आए थे वो इस घर के नहीं हैं, यानी वो दूसरी रियलिटी में पहुंच गए हैं। और ये बात हमें तब पता चलती है जब आमिर और ह्यू देखते हैं कि उनके पास रेड लाइट स्टिक थी और इस घर के लोगों ने ब्लू लाइट स्टिक का यूज़ किया था। यानी कि जब आमिर और ह्यू उस डार्क स्पॉट से गुजरे थे तो वापस आते वक्त वो अपनी दुनिया में नहीं आए, वो किसी और रियलिटी में ही चले गए और दूसरी रियलिटी के आमिर और ह्यू इस वाली रियलिटी में आ चुके हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से क्वांटम फिजिक्स की बुक और जो बॉक्स लेकर आए थे वो लेकर भाग जाते हैं। एमिली, बेथ और ली किचन में होते हैं जहाँ बेथ ली से उसी शोकेस के बारे में पूछती है कि ये तुमने कहाँ से खरीदा, जो कि वो ऑलरेडी पूछ चुकी थी। अब एमिली ये देखकर चौंक जाती है। अब उसे सब समझ में आ जाता है कि वो गलत घर में है। जब एमिली, केविन, माइक और लॉरी बाहर जाते हैं, जब उन्हें उनके डुप्लीकेट दिखते हैं जिनके हाथ में रेड लाइट स्टिक होती है, तब वो चारों गलत घर में वापस आ गए थे। यानी कि जो भी कोई उस डार्क स्पॉट के पास से होकर गुजरता है तो वो कभी अपने रियल घर में नहीं आता, वो किसी दूसरी रियलिटी में ही पहुंच जाता है। और कॉमेट के गुजरने के बाद वो फिर कभी अपनी रियल दुनिया में नहीं आ पाता, यानी कि वो जिस रियलिटी में जाएगा वो पूरी ज़िंदगी वहीं का हो जाएगा। तभी बाहर ह्यू की गाड़ी का कोई ग्लास तोड़ देता है और सब लोग बाहर जाकर देखते हैं। लेकिन एमिली अपनी गाड़ी में जाती है और उस गाड़ी में केविन की दी हुई रिंग होती है जो कि एमिली पहन लेती है। और जब वो गाड़ी से बाहर आती है तब वहाँ उसे केविन दिखता है और वो उससे पूछती है कि ह्यू की गाड़ी कैसी है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। दोनों को रियलाइज़ हो जाता है कि वो अलग अलग रियलिटी से हैं, तो दोनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर घर की लाइट वापस चली जाती है और तभी आमिर और ह्यू वहाँ आते हैं और सेम वही स्टोरी बताते हैं कि कैसे उन्होंने दूसरे घर में डुप्लीकेट देखे और वो बॉक्स भी लाते हैं। लेकिन वो ये पहले ही बता चुके थे, यानी कि दोस्तों जो इस बार आमिर और ह्यू आए थे वो किसी और ही रियलिटी से आए थे। जिसके बाद सब समझ जाते हैं कि जो भी इस घर से बाहर गया है और उस डार्क स्पॉट से गुजर कर वापस आया है वो इस रियलिटी का नहीं है, यानी कि वहाँ सब अलग अलग रियलिटी के थे। इसलिए सब डिसाइड करते हैं कि वो उन सब की फ़ोटो लाएंगे और उनके पीछे नंबर्स लिखेंगे और एक यूनिक चीज़ बॉक्स में रखेंगे, सिम वैसे ही जैसे पिछले वाले बॉक्स में पिंग पोंग और फोटोज़ होते हैं, और सबको उनकी फ़ोटो दे देंगे जिससे कि अगर कोई गुम हो जाता है तो वो बॉक्स चेक कर सकते हैं कि वो सही घर में है या फिर नहीं। और इसी बीच दरवाजे से कोई चिट्ठी फेंक कर भाग जाता है और ये वही चिट्ठी है
जो माइक दूसरे घर के माइक को ब्लैकमेल करने के लिए सोच रहा कि कैसे वो अपने और बैथ के 12 साल पहले वाले रिलेशन से उसे ब्लैकमेल करेगा। उस चिट्ठी से वहाँ सबको माइक और बैथ के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद बैथ का पति ह्यू माइक को बहुत मारता है। अब दोस्तों यहाँ पर वो चिट्ठी दूसरे रियलिटी का माइक फेंक कर जाता है, क्योंकि उसे भी लग रहा होगा कि वो इस वाले माइक को ब्लैकमेल करेगा और वो क्वांटम फिजिक्स की बुक उससे चुरा लेगा। अब वहाँ खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब यहाँ सब अलग अलग घर से हैं। वो सब बहस करने लग जाते हैं। उसी बीच एमिली वहाँ से चुपके से निकल जाती है और उस डार्क स्पॉट से निकलकर दूसरी रियलिटी में जाती है, इसी सोच में कि उसे कोई तो रियलिटी ऐसी मिलेगी जहाँ सब सही होगा, सब खुश होंगे, सबकी लाइफ अच्छी होगी। इसलिए वो अलग अलग रियलिटी में जाकर खिड़की से झाँक कर चेक करती है कि वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। और ऐसे ही 4-5 रियलिटी में देखने के बाद उसे एक परफेक्ट रियलिटी मिल जाती है, जहाँ पर सब खुश हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और इस रियलिटी में एमिली और केविन का रिलेशन भी काफ़ी अच्छा होता है, जो कि उसके रियल रियलिटी में नहीं था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अब इसी रियलिटी में रहेगी और वो बैक डोर से जाती है और ह्यू की गाड़ी का ग्लास तोड़ देती है, जिससे कि सभी लोग बाहर चले जाते हैं और जो इस रियलिटी की एमिली होती है वो भी बाहर जाती है लेकिन अपनी गाड़ी में, और वहाँ जो केविन ने उसे रिंग दी थी वो पहनने लगती है। और तभी रियल एमिली वहाँ आती है और दूसरी एमिली को बेहोश करके उसे कार की डिक्की में बंद कर देती है और वो खुद उसकी जगह वापस घर में आ जाती है। और सब लोग उस कॉमेट को बाहर जाकर देखने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ इस रियलिटी की एमिली, जिसे रियल एमिली ने बेहोश किया था, वो आ जाती है और रियल एमिली उसे देख लेती है और उसके सर पर कुछ मार के उसे बाथरूम के बाथटब में डाल देती है। लेकिन इसी बीच उसकी रिंग गिर जाती है, इसलिए वो दूसरी एमिली की रिंग पहन लेती है, लेकिन उसकी रिंग बाथरूम में ही गिर जाती है और वो वहाँ से बाहर आती है और सबसे बात करने वाली होती है, लेकिन अचानक से वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह जब वो उठती है तो वो सोचती है कि कहीं उसकी पोल खुल ना गई हो, दूसरी एमिली ने सबको सच ना बता दिया हो, और इसलिए वो चेक करने के लिए बाथरूम में भी जाती है कि दूसरी एमिली की बॉडी वहाँ है या फिर नहीं, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता। और फिर वो बाहर आती है जहाँ ह्यू की गाड़ी का गिलास टूटा हुआ था और उसमें वो क्वांटम फिजिक्स की बुक भी होती है। और इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि इस वाली रियलिटी के लोगों को कुछ पता नहीं था कि रात को बाहर हुआ क्या, मल्टीपल रियलिटी बनी, ऐसा कुछ भी पता नहीं था। यानी कि यहाँ पर दूसरी रियलिटी से भी कोई नहीं आया था, सिर्फ एमिली ही थी जो दूसरी रियलिटी से आई थी। यहाँ सब कुछ नॉर्मल था। अब वहाँ केविन आता है और एमिली को उसकी रिंग देता है जो कि ऑलरेडी उसके हाथ में थी, लेकिन केविन ने जो रिंग दी थी वो वही रिंग थी जो कि बाथरूम में गिर गई थी। तभी केविन के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है और वो कॉल और किसी का नहीं बल्कि एमिली का ही होता है, और केविन रियल एमिली को देखता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों इसका मतलब अब इस वाली रियलिटी में दो दो एमिली मौजूद हैं, एक तो वो जो इस रियलिटी की थी और एक वो जो दूसरी रियलिटी से आई थी अच्छी जगह की तलाश में, और ये वही एमिली है जिससे मूवी स्टार्ट होती है। यानी कि अब केविन को पता लग गया है कि जो एमिली उसके सामने खड़ी है वो कोई और है,